आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आज इस वीडियो के अंदर हम टॉप 10 फैंटासी एडवेंचर सीरीज़ को कवर करेंगे जो बहुत ही लाजवाब है। इन सीरीज बहुत ही टॉप नॉच है जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर देखने को मिलती है। जादुई दुनिया मैजिकल एडवेंचर से भरपूर आज के इन वेब सीरीज को आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। सो आज वीडियो में लाइक कमेंट कर देना है, न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 10 वन पीस 2023 एक बहुत ही अमेजिंग फैंटासी एडवेंचर सीरीज है। इस सीरीज के अंदर समुद्री लुटेरों का एक ग्रुप की कहानी दिखाई गई है जिनमें से एक का नाम है मंकी डी लफी। वो अपने समुद्री डाकुई दल के साथ नेक्स्ट पायरेट किंग बनने के लिए दुनिया के अंतिम खजाने की तलाश में महासागर और एक्जोटिक आइलैंड की एक काल्पनिक दुनिया की खोज करता है। इस सीरीज के एक ही सीजन है और 8 एपिसोड से 8.4 की रेटिंग के साथ ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 9 द चैलेंजिंग 2023 एक हॉरर फैंटासी सीरीज है जिसकी कहानी सेट होती है एक अल्टरनेट न्यूयॉर्क सिटी में। इस सीरीज के अंदर एक पिता और पति अपने किडनैप बेटे और लापता पत्नी की खोज में एक जादुई दुनिया में एंटर करते हैं। इस सीरीज की एक ही सीजन है और 7 एपिसोड से 6.7 की IMDb रेटिंग के साथ ये वेब सीरीज एपल टीवी पर ऑफिशियली अवेलेबल है। नंबर 8 पर आती है स्ट्रेंजर थिंग्स एक बहुत ही अमेजिंग हॉरर फैंटासी मिस्ट्री सीरीज है। इस सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक स्मॉल टाउन की, जाए कि यंग लड़का मिस्ट्रियसली गायब हो जाता है जिसके बाद से उस शहर में अजीबोगरीब चीज़ें घटने लगता है जिनमें से सेक्रेट एक्सपेरिमेंट्स बयानों को लौकिक शक्ति और एक अजीब लड़की। इस सीरीज के अंदर यंगस्टर्स का एक ग्रुप होता है जो मिलकर शहर के उस मिस्ट्री का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज की 4 सीजन अब तक आ चुकी है। 8.7 की रेटिंग के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 7 पर आती है डिस्कवरी ऑफ विचेस एक बहुत ही जबरदस्त फैंटासी सीरीज है। इस सीरीज के अंदर एक विच एंड हिस्टोरियन डायना बिशप की कहानी दिखाई गई है जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री को सुलझाने एक जर्नी पर निकलती है। एक वैम्पायर उसकी मदद करने के लिए उसके साथ आता है लेकिन डायना को उस पर भरोसा नहीं है क्योंकि एक चुड़ैल कभी भी पिशाचों पर भरोसा नहीं करते। इस सीरीज की 3 सीजन से और 7.8 की रेटिंग है IMDb पर। अमेजन प्राइम पर यह सीरीज अवेलेबल है। नंबर 6 पर आती है लूसीफर एक फैंटासी सीरीज है जो बहुत ही जबरदस्त है। इस सीरीज के अंदर लूसीफर की कहानी दिखाई गई है जो नर्क का एक सर्वेंट है। उसने फैसला किया कि वह नर्क में एक नौकर बनकर बहुत कुछ कर चुका है लेकिन अब वो ह्यूमैनिटी को बेहतर ढंग से समझने के लिए पृथ्वी पर उसे कुछ समय बिताना है और वह लॉस एंजलिस सिटी में बस जाता है। इस सीरीज की 6 सीजन से 8.1 के IMDb रेटिंग के साथ यह शो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 5 स्वीट टूथ 2021 एक बहुत ही जबरदस्त फैंटासी एडवेंचर ड्रामा सीरीज है जिसकी कहानी सेट होती है एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में जो तबाह हो चुका है। सीरीज के अंदर एक लड़का होता है जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ बियर है। वो एक नई शुरुआत की खोज में एक ग्रुप प्रोटेक्टर के साथ एक जर्नी शुरू करता है। इस सीरीज की टोटल 2 सीजन से और 16 एपिसोड से 7.8 की IMDb रेटिंग के साथ यह शो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 4 फेट द विंग्स सागा 2021 इस सीरीज के अंदर कुछ फेयरीज की कहानी दिखाई गई है जो दूसरी दुनिया में एक जादुई बोर्डिंग स्कूल में जाती है। वह उन्हें प्यार प्रतिद्वंदिता और उनके एग्जिस्टेंस को खतरे में डालने वाले मॉन्स्टर से निपटने के लिए अपनी जादुई शक्तियों पर महारत हासिल करना है। इस सीरीज की 2 सीजन से और 13 एपिसोड से 6.8 की IMDb रेटिंग के साथ यह शो नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियली अवेलेबल है। दूसरी दुनिया की सबसे ताकतवर फेरी बनने की काबिलियत। नंबर 3 कार्निवल रॉ 2019 माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स के ग्रोइंग पॉपुलेशन के वजह से वे सारे मजबूर होते हैं इंसानों के साथ रहने के लिए लेकिन बड़े बड़े इंसानी साम्राज्य उन क्रिएचर्स पर हमला करते रहते हैं। उनकी आज़ादी खत्म हो जाती है, इंसानों के साथ रहना खाना प्यार सब कुछ फॉरबिडन होता है लेकिन एक ह्यूमन डिटेक्टिव उन क्रिएचर्स के फ्रीडम के लिए आगे आता है और इंसानी सोसाइटी से बगावत शुरू कर देता है। इस सीरीज की 2 सीजन से और 18 एपिसोड से 7.7 की IMDb रेटिंग के साथ ये अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है। नंबर 2 वैम्पायर एकेडमी 2022 एक बहुत ही अमेजिंग फैंटासी सीरीज है जिसमें 2 लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जिसमें से एक वैम्पायर है और दूसरी एक प्रोटेक्टर है। उन दोनों की मुलाकात एक वैम्पायर एकेडमी में होती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब वो दोनों अपने लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों का मुकाबला करके रॉयल वैम्पायर सोसाइटी में एंटर करने की तैयारी करते हैं। इस सीरीज की एक ही सीजन है और 10 एपिसोड है। 6.4 की रेटिंग है इस सीरीज के IMDb पर। नंबर 1 वाइकिंग्स वाल्हाला 2022 एक बहुत ही अमेजिंग एक्शन एडवेंचर सीरीज है जिसमें 11वीं शताब्दी की कुछ लेजेंडरी वाइकिंग्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर दिखाई गई है जो पूरे यूरोप में अपना झंडा गाड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। इस सीरीज की 2 सीजन से और 18 एपिसोड से 7.3 की IMDb रेटिंग के साथ यह शो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सो गाइज यह था आज का हमारा टॉप 10 फैंटासी एडवेंचर वेब सीरीज के लिस्ट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट कर देना और आने वाली ऐसी अमेजिंग मूवीज एंड सीरीज के लिस्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।